अभी हम लोग 260 जगह पर रोप वे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे बना रहे हैं। अब बंगलोर के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि 250 लोग हवा में उड़कर चलने वाली बस का भी सोच रहे हैं, और अभी हम लोग 2,00,000 करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अभी बस पोर्ट बना, एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बनाने का प्लान हमने किया है। तो ये देश आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाए, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि ये देश वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक महापावर शक्ति कैसे बने, अभी हम 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कैसे जाए, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास इस डिपार्टमेंट का काम भी है। एक समय 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हमारा नंबर मैंने चार्ज लिया तो 7वां नंबर था। अब हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए, पहले नंबर पर चाइना, 2रे नंबर पर USA, 3रे नंबर पर इंडिया, 4थे नंबर पर जापान। और ये 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इसमें आधा एक्सपोर्ट है, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब्स है, और भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा GST देने वाली ये इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है ये 15 लाख करोड़ की आने वाले 4-5 साल में करके हम वर्ल्ड की नंबर एक की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाना ये आवश्यक। और ये इंडस्ट्री में पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल नहीं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर गाड़ियाँ आएंगी। अब मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, हाँ जी, ई UR2 में वहाँ से दिल्ली से जयपुर, ताकि केबल में बस जाएगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट होगी, एयर कंडीशन होगा, चाय कॉफ़ी मिलेगी, और उस बस का टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे हो, सुसह्य कैसे हो, यही कोशिश हमने करनी चाहिए। और यही राजनीति है, ये विकास की कल्पना को इम्प्लीमेंट करना, यही सही में हमारा कर्तव्य है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लोगों ने हमको चुनकर दिया है, और लोगों के जीवन में सुधार लाना, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यही हमारी जिम्मेदारी है।